परशुराम के चार सबसे शक्तिशाली शिष्य, जिन्हें गुस्सा दिलाने से स्वयं देवता भी कांपते थे। परशुराम जी के सबसे पहले शिष्य थे भीष्म पितामह, जो अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने जब भी शस्त्र उठाए तो सामने वाले की रूह कांप गई। परशुराम जी के दूसरे शिष्य पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। कहते हैं द्रोणाचार्य के पास इतनी शक्ति थी, यदि वे अपने धनुष को छोड़कर महाभारत का युद्ध करते तो पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर सकते थे, वह भी सिर्फ अपने हाथों से। अब बात करते हैं परशुराम जी के तीसरे सबसे शक्तिशाली शिष्य की, जो कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। कर्ण ने भले ही परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन उन्हें सबसे प्रिय शिष्य माना जाता था। कर्ण को बचपन से ही सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। अब बात करते हैं परशुराम जी के आखिरी और शक्तिशाली शिष्य की, जो खुद भगवान होंगे। हम बात कर रहे हैं कल की अवतार की, जिनके गुरु कोई और नहीं बल्कि धरती पर मौजूद 8 चिरंजीवियों में से एक परशुराम जी होंगे, जो उन्हें शिक्षा देंगे। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे।